चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। बता दें कि नवरात्रि के दिनों में व्रत रखने का बहुत खास और बड़ा महत्व माना जाता है। इस दौरान गर्भवती महिलाएं भी व्रत रखती हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत के साथ साथ गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत का भी ध्यान देने की जरूरत होती है। वहीं डॉक्टर की माने तो गर्भवती महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसे में अगर कोई गर्भवती महिला नवरात्रि में व्रत रखना चाहती है तो उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लें। गर्भवती महिलाओं को पूरे 9 दिन व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उसके बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ता है। अगर फिर भी आप नवरात्रि में व्रत रखना चाहती हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह लें किस स्थिति में बिल्कुल ना रखें व्रत। ध्यान रहे कि अगर आपको गर्भावस्था के दौरान थकान, सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी समस्याएं होती हैं तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन। गर्भवती महिलाएं नवरात्रि के दौरान दूध, दही और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन जरूर करें, क्योंकि ये प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। साथ ही हाई शुगर या फैट से भरपूर डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से बचना चाहिए। बैलेंस फूड खाएं। बता दें गर्भवती महिलाओं के खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, साथ ही डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट वाले फूड आइटम्स भी होने चाहिए। चाय कॉफी के सेवन से बचें। बता दें कि कैफीन हार्ट बीट और हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, जो प्रेग्नेंट महिलाओं की सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। फल और सब्जियों का सेवन। महिलाएं फल और सब्जियों को अपने व्रत वाली डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होते हैं। ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर की अच्छी खासी मात्रा होती है। व्रत के दौरान शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए बादाम, अखरोट या फिर पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लॉग इन करें thehealthsite.com पर।